समस्तीपुर जिले में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां दोस्त को घर छोड़ने जा रहे युवक को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। ये घटना समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दूधपुरा गाँव की है, जहाँ पर स्थानीय लोगों ने भाग रहे ट्रक और चालक को खदेड़ कर पकड़ लिया। मृतक के बारे में बताया जाता है कि वो अपने दोस्त को बाइक से घर छोड़ने जा रहा था। इसी क्रम में सिंघिया की ओर से रोसड़ा जा रही तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दोनों युवकों को रौंद दिया, जिससे एक युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं एक अन्य घायल युवक को स्थानीय लोगों ने रोसड़ा अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल समस्तीपुर रेफर कर दिया। मृतक की पहचान दूधपुरा गांव के मोहम्मद अनवर के 20 वर्षीय पुत्र मोहम्मद आमिर के रूप में की गई है। वहीं घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। और बाइक का टक्कर हुआ, एक आमिर नाम का लड़का है जो दिल्ली में पढ़ता था। बहुत अफसोस, दुर्भाग्य की बात है, पीड़ा है हम लोग के समाज के लिए, हम लोग को भी बहुत दर्द है। एग्जाम देने के लिए आया था 3 दिन पहले दिल्ली से, और शहर में रहने वाला बच्चा गाँव में आया तो अपना बाइक से एक पेट्रोल पम्प दूधपुरा से थोड़ा आगे मंदिर के आगे जा रहा था, दो लड़का सवार था, और बाइक का ट्रक के टक्कर में स्पीड से ट्रक आ रही थी सिंघिया की तरफ से, आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक लड़का का स्पॉट मान लीजिए हो गया और एक लड़का अभी इंजर्ड है, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती है। आप कौन है? हम जिला परिषद प्रतिनिधि हैं वहाँ से, सिकंदर आलम। घटना हुआ कि सिंघिया की तरफ से ट्रक आ रहा था और इधर से दूधपुरा से सिंघिया की तरफ ये सब दोनों बाइक से जा रहा था, दो लड़का था, और इधर साइड में गाड़ी आने से ये बाइक साइड कर किया तो उसमें लग गया, ट्रक में ठोकर लगा, उसी में स्पॉट एक डेड कर गया, और एक का अच्छा थोड़ा ठीक है जो अभी होश में है, उसको समस्तीपुर यहाँ से भेजा गया। अब मेरा क्या, यहाँ तो सिकंदर भाई भी हैं, जिला परिषद है, उनको क्या कहेंगे, वही जो सरकारी ये नियम है वही करेंगे। आप कौन हुए मृतक? हम उनके चाचा हुए हैं मृतक आमिर के। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम असगर अली हुआ।